नेक्स्ट है रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग. रेलेज एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो कलर्स हैं जब वो मींस जो लाइट है वाइट लाइट 7 रंगों में स्प्लिट होती है और जब वो मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो भी कलर की वेवलेंथ है और पार्टिकल का साइज अगर मैच करता है या अप्रोक्सीमेटली सेम है तो लाइट स्कैटर हो जाती है. तो उसने कहा कि लाइट कितनी स्कैटर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उस वेवलेंथ रेज टू पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जितनी छोटी वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी और लैम्डा जितना बड़ा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी. ठीक है यहाँ तक? तो इसके बेस पे इसकी एप्लीकेशंस हैं. ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? दिन में स्काई ब्लू होता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में जब सनलाइट आती है वो वाइट आती है. जब वो अर्थ के जो एटमोसफेयर में मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाता है, वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है. अब सबसे कम वेवलेंथ ब्लू या वॉयलेट की होती है. ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बिखर जाती है, बाकी कलर छुप जाते हैं. अगर आप ध्यान से ये भी देखें, अगर आप विबग्योर पैटर्न को देखते हैं तो दो फैमिली ऑफ कलर नज़र आती है, रेड ऑरेंज वाली ये वाली और ब्लूइश वाली, ये देखो. तो ये ज़्यादा बिखर जाती हैं, इनकी वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, ये छुप जाते हैं कलर बीच में क्योंकि स्कैटर नहीं होते, सीधा ट्रेवल कर जाते हैं. तो ये कलर डोमिनेट करेंगे और स्कैटर करेंगे, ज़्यादा स्कैटर होंगे तो कलर आपको क्या नजर आएगा स्काई का? ब्लू. तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहाँ तक? ठीक. लेकिन सुबह और शाम क्या होता है, स्काई ब्लू नज़र नहीं आता, सनसेट के दौरान ऑरेंज या रेड लाइनें नज़र आती हैं. उसका रीज़न भी यही है क्योंकि सुबह और शाम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है लाइट को, दिन में कम करना पड़ता है लाइट को. तो दिन में कम करना पड़ता है, ब्लू लाइट स्कैटर ज़्यादा होती है तो ब्लू नज़र आता है, बाकी कलर छुप जाते हैं. सुबह और शाम ब्लू लाइट फिर से स्कैटर ज़्यादा होती है लेकिन इतनी दूरी कवर करती है, स्कैटर होती 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 फीकी पड़ जाती है, मतलब इतनी स्कैटर हो गई कि बाकी कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो लाइनें नज़र आती हैं ऑरेंज या रेड कलर की कुछ ऐसे. तो इसलिए सुबह और शाम स्कैटरिंग ज़्यादा दिखती है और दिन में स्कैटरिंग मॉडरेट है और ब्लू कलर का स्काई नज़र आता है. डेंजर कलर जितने भी हैं, ब्रेक लाइट्स हैं, डेंजर कलर हैं, वो सब रेड कलर के हैं. क्यों? आप दो अगर आप बहुत दूर से लाइट को देखना चाहते हैं तो रेड कलर का सिग्नल सबसे क्लियर नज़र आएगा अंधेरे में और बहुत दूरी से भी. क्यों? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम है. ठीक है, तो स्कैटरिंग सबसे कम रेड की है तो रेड कलर का सिग्नल ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल. ठीक, क्योंकि बाकी अगर वाइट यूज़ करोगे कोई और यूज़ करोगे स्कैटरिंग हो जाएगी, बहुत दूरी ट्रेवल ही नहीं करेगा, बिखर जाएगी. राइट. नेक्स्ट है रेनबोज. रेनबोज के अंदर भी, रेनबोज में बेसिकली क्या है, रेनबो कब दिखती है? रेनबो देखने के लिए आपको सबसे पहले बारिश पड़ेगी, उसके बाद सन आएगा, फिर सन अगर यहाँ से आ रहा है तो रेनबो यहाँ दिखेगी और वो भी तब जब किस्मत थोड़ी ठीक हो, अदरवाइज तो वो भी नहीं, ज़रूरी नहीं कि दिखेगी. अब ये किस्मत किसे बोलते हैं, है ना? मैं दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्यों दिखती है, कभी कभी क्यों नहीं दिखती. ध्यान से देखना, ये सनलाइट आ रही है, बारिश पड़ के चुकी है, पानी के ड्रॉपलेट्स हवा में हैं, अभी मॉइस्चर है, लाइट एंटर कर गई पानी के ड्रॉपलेट्स में तो 7 रंगों में स्प्लिट हो गई. डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमेन है, 7 रंग तो हो ही गए पर 7 रंग तो सीधा चले जाने चाहिए थे, पर हुआ क्या, एंटर कर गई पानी के ड्रॉपलेट में, रिफ्रैक्शन में TIR हो गया, TIR हो के लाइट अंदर रह गई, फिर TIR हो गया, फिर अंदर हो गई और रिफ्रैक्शन से ऑब्जर्वर की आई में गई. तो सोचो 7 रंग जा रहे हैं, 1 TIR, 2 TIR और फिर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं. सोचो अगर TIR ना हो लाइट सीधी चली जाएगी, ऑब्जर्वर को दिखेगी नहीं. तो इसमें अगर 2 TIR हो जाए और लाइट ऑब्जर्वर की आइज में आ जाए तो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होगा, सन पीछे होगा, तो उसको रेनबो नज़र आएगी. 1 TIR से भी ऐसा हो सकता है, अगर लाइट आए 1 TIR हो और लाइट ऐसे आ जाए तो, अगर तो 2 TIR हो जाती हैं फिर तो वॉयलेट ऊपर नज़र आता है और रेड नीचे, और अगर 1 TIR होता है तो फिर रेड ऊपर नज़र आता है और वॉयलेट नीचे. तो ऊपर वाली रेनबो को सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं और नीचे वाली को प्राइमरी. अब ये तो कोई कह नहीं सकता ना कि अभी बारिश हुई और सन आया, आपको क्या दिखेगा मालूम नहीं, आपको कंप्लीट दिखेगी नहीं दिखेगी ये भी मालूम नहीं, आपको कभी कभी पार्ट नज़र आता है क्योंकि पार्ट में TIR हो रहा है, बाकी में TIR हुआ ही नहीं. तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते, ये चांस की बात है कि TIR हो जाए और लाइट वापस आ जाए फिर तो रेनबो दिखेगी, नहीं तो रेनबो नहीं दिखेगी. तो ये फिनोमेना है.